हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो हम उसका जवाब तुरंत फ्रंट देते हैं। ठीक है, आप बाहर रहते हैं अमेरिका में, आपको लगता है कि आपको कोई मुल्क बनाना चाहिए, अलग से बनाइए ना आप, हमारा क्या लेना देना उससे। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में, तो हमारे लिए तो भारत का वासी होना गर्व की बात है। आप वहाँ बैठ के कहते हम खालिस्तान बनाएंगे, बनाइए आप खालिस्तान, रहिए उसमें, आप हमारे ऊपर क्यों थोपते हैं। जब आप कहते हैं कि हम तिरंगा नहीं लगने देंगे लाल किले पे, अरे आप कौन होते हैं, आप तिरंगा हटाने वाले कौन होते हैं। आप चंद ISI के हाथों में घूम के पैसे लेके उनसे वहाँ बैठ के कुछ भी बोल देते हैं। आप अनाप शनाप, एक वो पन्नू नाम का जंतु है वहाँ पे, वो कुछ भी बोल देता है। खुद ने दाढ़ी नहीं रखी हुई, मूछ नहीं रखी हुई, पगड़ी नहीं बांधता, वो अमृतधारी नहीं है, वो खालिस्तान बनाएगा। एक आदमी लोगों की जली हुई अध जली लकड़ियों को उठा के टोकरी में रख रहा है, तो मुझे लगा शायद चोरी कर रहा है। मेरे दोस्तों ने जब पूछा तो उसने कहा चोरी नहीं कर रहा, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूं। शंटी बोल रहा है हम तेरे को दोनों को उड़ा देंगे, बाप बेटा को। हमने पुलिस को भी कंप्लेंट करी है, होम मिनिस्टर साहब को भी करी है। ऑफिसर, चंद ऑफिसर अपने चंद घूस के चक्कर में ऐसे काम करवा जाते हैं, और जब हादसा हो जाता है फिर वो सर्वे करने लग जाएंगे, रेड मारने लग जाएंगे, झूठे बयान देने शुरू कर देंगे, गिरफ्तारियां करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर आग लगने की वजह से कई नवजात बच्चों की जान चली गई थी। इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं जिन्होंने उस वक्त भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन बच्चों को बचाने का काम किया। इसके अलावा कोरोना काल में भी इन्होंने कई सराहनीय कामों को अंजाम दिया। अब आखिर ये शख्स कौन है, इनकी शख्सियत क्या है, मैं आपको आगे बताती चलूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी, जो कि पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। फिलहाल वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। भारत माता की जय। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। और आपका तेज तरार चैनल का मेरे पास आना आफरीन जी का बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, कुछ सवाल जवाब मैं आपसे करूँगी, और जो भी चीज़ें लगातार आ रही थी मेरे सामने, कई चीज़ें मैंने आपके बारे में पढ़ी। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं पूरा पढ़ते हुए आ रही थी आपके बारे में, फिर मैंने पढ़ा कि आपको पद्मश्री मिला, ये कब मिला था? ये 2021 में आफ्टर कोरोना, मैं जब सोया हुआ था रात 10:30-11 बजे, मुझे फ़ोन आता है हेल्थ मिनिस्टर साहब का दिल्ली के, इंडिया के, कि शंटी जी आपका नाम टीवी में राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है ये ऊपर वाले ने हमारी टीम के ऊपर ऐसी कृपा करी कि जो मेरे वॉरियर्स हैं, जो मेरे सेवादार हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि वो अवार्ड शंटी को नहीं मिला, टीम को मिला है, मेरे ड्राइवरों को मिला है, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि भारत में पहले सुनते थे कि यह अवार्ड बिकता था, लेकिन आजकल वो चुन चुन के अवार्ड देते हैं, भी काम कौन कर रहा है। तो मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। सर, सबसे पहले अभी जो हालिया इंसिडेंट सामने आया था विवेक विहार इलाके से, बहुत ही दर्दनाक हादसा था, आपको कैसे सूचना मिली थी उस मामले के बारे में? एक्चुअली मेरे घर से 500 मीटर ही दूर है, मुझे धमाकों की भी आवाज़ आई, मैंने सोचा शायद कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस दिन इलेक्शन हुए थे। लेकिन फिर किसी का मुझे फ़ोन आ गया हमारे कंट्रोल रूम में कि बम विस्फोट हो गया है। अब बम विस्फोट का नाम बड़ा भयंकर होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आवाज़ें आनी शुरू होगी। तो हम खुद, मैं, मेरा बेटा, मेरे ड्राइवर, 3 एम्बुलेंस ले कर मौके पर पहुँचे, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ आग जो है 3 बिल्डिंगों में लग चुकी है और 25-30 फुट कार क्रॉस कर गई है। जैसा कि मैंने बताया कि जब पद्मश्री मिला था तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा था जी अवार्ड नहीं, मेरे लिए जिम्मेदारी है, जब भी कोई देश में आपदा आएगी तो हमारी टीम वैसी काम करेगी। तो इसी तरीके से हमने काम किया, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी बुझाने का, पुलिस अपना काम कर रही थी प्रशासन देखने का, हमारा काम था रेस्क्यू करना, आगे से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे वहाँ का भूगोल पता था, मैं वहीं का रहने वाला था बचपन से, तो मैंने पीछे गली में से जाके वहीं के कुछ समाज के लोग, मोहल्ले के लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके थे, शीशे उन्होंने तोड़ने शुरू कर दिए थे, कुछ टूट भी गए थे अपने आप धमाके से, सीढ़ी लगाई गई आनन फानन में, ऊपर चढ़ने का प्रयास किया गया, मैं भी ऊपर चढ़ गया, फिर धीरे धीरे लोग अंदर से बच्चे पकड़ाते रहे, हम उनको नीचे पकड़ाते रहे, फिर मैं भी अंदर घुस गया, 12 बच्चे निकाले, मेरा बेटा नीचे से ले जाके उनको हॉस्पिटल में ले जाता रहा, कुछ मोहल्ले वाले ले जाते रहे, एक लेडी थी वहाँ वो भी ले जाती रही,
तो 12 बच्चे जब निकल आए और हम हॉस्पिटल पहुंच गए, उसके बाद भी अब यहाँ काम ख़त्म हो गया, तो वहाँ जाके देखा तो 6 उसमें से उसी समय मृत हो चुके थे। अब रह गए 6, उसमें से एक बहुत सीरियस था, 5 सेफ थे, लेकिन वो सीरियस वाला भी रात को चला गया। 3 दिन पहले भी एक और चला गया, तो भी 4 बच्चे सेफ हैं। प्रयास तो हमारा था कि 12 के 12 बचते, लेकिन हमारी मेहनत शायद इतना रंग नहीं लाई। लेकिन जो 4 बचे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि उनमें से एक बच्चे की माँ जब उसको लेने आई तो उसने वहाँ कहा सबके सामने कि मेरा बच्चा इनकी मेहनत से बचा है, अभी 3 दिन का था, तो मैं अपने बच्चे का नाम शंटी रखूँगी। तो मुझे कैसा लगा आपको उस पल जब किसी महिला ने ऐसा कहा? मुझे लगा कि कदर करी है उसने हमारी, और ऊपर वाले ने शोहरत दिलानी थी हमारे को, और एक बहाना बनना था। ऐसे ही होता है, कोरोना में जब हम काम कर रहे थे, 4,266 बॉडी उठाई, तो हमें थोड़ा पता था कि हम पद्मश्री के लिए काम कर रहे हैं। हम तो अपना जो 25 साल से ऑलरेडी करते आ रहे हैं वही काम कर रहे थे। 95 में शुरू किया हमने, अब तो 30 साल होने वाले, 29 साल हो गए। ये ऊपर वाला मौका देता है, हम कर जाएँ नहीं तो नहीं, मिस हो जाता है, मिस नहीं होने दिया हमने। तो सर मुझे ये बताइए, जो आपका सेवा दल है यहाँ पर, शहीद भगत सिंह सेवा दल है, ये कब शुरू हुआ था, क्या मोटिव रहा था शुरू करने का, और शुरुआत किसने की थी इसकी? मैंने शुरू की थी 95 में, जब मैं एक शमशान घाट में किसी के क्रिमेशन में गया, और वहाँ मैं देखता हूँ कि एक आदमी लोगों की जली हुई अध जली लकड़ियों को उठा के टोकरी में रख रहा है, तो मुझे लगा शायद चोरी कर रहा है। मेरे दोस्तों ने जब पूछा तो उसने कहा चोरी नहीं कर रहा, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं संस्कार कर सकूं, और उस लिए मैं लकड़ियों को उठा के इकट्ठा कर रहा हूं। वो हमारे जीवन का बदलाव था, मैंने उसको करवाया संस्कार, और निश्चय कर लिया कि हम आगे कोई भी ऐसी बॉडी देखेंगे दिल्ली के अंदर तो संस्कार हम करेंगे उसको। और शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना करी हमने, और तकरीबन 53,000 से ज़्यादा बॉडीज, अगर कोरोना की मिला लें तो 56,000-57,000। कोरोना में सबसे ज़्यादा रही थी बॉडीज जो मिली, हमने 4,266 डेड बॉडी क्रिमेट करी है। कोई ऐसा पल रहा हो, क्योंकि जब भी बात आती है ऐसी चीज़ों की, तो क्या कोई ऐसा पल रहा था जिसने आपको भावुक कर दिया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो अभी? सच बात तो है जी, जो भी पल थे वो बड़े खतरनाक थे। कोई पैसे वाला था, अमीर था, शोहरत वाला था, सब जमीन पर बैठ गए, सुविधाएं बंद हो गई, जो अपने आप को बड़े बड़े इंसान कहते थे कमरों के अंदर बंद हो गए, और थाली रोटी की नीचे से आती थी जैसे जानवरों को दी जाती है। गरीब आदमी था चाहे अमीर आदमी था, वक्त ने दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो वक्त फिल्म का नगमा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज ही तो बदला। मैंने वो चीज़ें देखी अपनी आँखों से कि एक कम से कम भी 500 करोड़ का आदमी जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, और मुझे फ़ोन आता है कि शंटी जी डेथ हो गई है मिसिज की, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए। मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ, फिर उनका एक घंटे बाद फ़ोन आता है कि एम्बुलेंस तो आ गई है, हम शमशान घाट भी पहुँच गए हैं साउथ दिल्ली में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 25 लोगों के साथ जलाएंगे इकट्ठा, बहुत सारी बॉडी है, बल्क में क्रीमेशन होगा। यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरी मिसिज की अस्थियाँ भी मुझे ना मिले तो इससे बुरी भयानक बात और क्या हो सकती है। तो मैंने कहा आप चिंता ना करिए, आप दिलशाद गार्डन सीमापुरी में ले आइए, मैं सारा कराऊंगा अपने तरीके से। मैंने उनको यहाँ बुलाया, VIP तरीके से कराया, तो उन्होंने खुद रो के मुझे बताया ये बात कि शंटी जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना बड़ा आदमी, मैं चाहूँ तो वो शमशान घाट की सारी ज़मीन भी खरीद लूँ, लेकिन आज ऐसा वक्त ने ला के खड़ा कर दिया उस दौराहे पर कि मेरी मिसिस को जलने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें इंसान को हिला के रख देती हैं, और हमें इससे शिक्षा भी मिलती है कि हमको अपने ऊपर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, कभी गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अहंकार होता है ना जी, इंसान को मार देता है, और कोविड ने कईयों के अहंकार को मारा है। तो मुझे जहाँ ये बात देख के अच्छा भी लगता था, वहीं अंदर से दिल मेरा रोता था कि आज यार कैसे कैसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, 8-8 साल के बच्चे अपने बाप की लाश को लेके आते थे, माँ की लाश को लेके आते थे जलाने के लिए, उस समय वो तो रोते रोते थे, मेरा भी रोना निकल जाता था। सही बोलूँ मैं आपको, बहुत बुरा समय था। एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब आपके और आपके बेटे को आतंकवादियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, इस बात में कोई सच्चाई है? ये तो पीछे 1.5 साल से काम हो रहा है जी, ऐसा
क्योंकि मेरा बेटा स्पोक्समैन भी है बीजेपी का दिल्ली प्रदेश का, लेकिन उसके अलावा हम जब भी कभी देखते हैं कि कोई हमारे देश के खिलाफ़ बोलता है, भारत के खिलाफ़ बोलता है, तो हम उसका जवाब तुरंत फ्रंट देते हैं। ठीक है, आप बाहर रहते हैं अमेरिका में, आपको लगता है कि आपको कोई मुल्क बनाना चाहिए, अलग से बनाइए ना आप, वहाँ पे हमारा क्या लेना देना उससे, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में, तो हमारे लिए तो भारत का वासी होना गर्व की बात है। आप वहाँ बैठ के कहते हम खालिस्तान बनाएंगे, बनाइए आप खालिस्तान, रहिए उसमें, आप हमारे ऊपर क्यों थोपते हैं। आप कभी कहते हैं जी आप एयर इंडिया में मत बैठिए, सिखों को वार्निंग देते हैं, मैं उसी दिन जाके एयर इंडिया में बैठता हूँ। जब आप कहते हैं कि हम तिरंगा नहीं लगने देंगे लाल किले पे, अरे आप कौन होते हैं, आप तिरंगा हटाने वाले कौन होते हैं। आप चंद ISI के हाथों में घूम के पैसे लेके उनसे वहाँ बैठ के कुछ भी बोल देते हैं आप, अनाप शनाप, एक वो पन्नू नाम का जंतु है वहाँ पे, वो कुछ भी बोल देता है, खुद ने दाढ़ी नहीं रखी हुई, मूछ नहीं रखी हुई, पगड़ी नहीं बांधता, वो अमृतधारी नहीं है, वो खालिस्तान बनाएगा। पैसे के चक्कर में उन्होंने हमारा सारा पंजाब का सत्यानाश कर दिया, नशे बांट बांट के वहाँ पे, और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम भी सब उन्होंने ख़राब कराया पैसे देके। तो हम उनके खिलाफ़ बोलते हैं, मेरा बेटा उनके खिलाफ़ तख्ती लेके खड़ा होता है कनॉट प्लेस में, से नो टू खालिस्तान, आई लव हिंदुस्तान, वो इन बातों से चिढ़ते हैं हमारी बातों से, समय समय पे हम उसको उनको क्रॉस करते रहते हैं। तो मेरे को तो सरेआम फ़ोन आया था कि शंटी जी, हम शंटी बोल रहे हैं, हम तेरे को दोनों को उड़ा देंगे, बाप बेटा को। हमने पुलिस को भी कंप्लेंट करी है, होम मिनिस्टर साहब को भी करी है, PM साहब को भी करी है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा, हम अपने कर्म में लगे हुए हैं। अभी परसों फिर मेरे बेटे को एक्स पे डाला है उन्होंने कि तेरे को गोलियों से उड़ा देंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, अगर मौत भी आ जाए कोई बात नहीं, तिरंगा लेकर ही जाएंगे, बिना तिरंगे ही जाने वाले नहीं हैं हम, क्योंकि मैं पद्मश्री हूँ, प्रोटोकॉल में भी आता हूँ, और वैसे भी ना भी आता हूँ तो देश के लिए मरना, एक बार मरना 100 जन्मों के समान है। आपकी जो संस्था काम करती है, आपका जो सेवा दल काम करता है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई रुकावट आती हो, कभी आपका मन करता हो कि इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, अब बंद कर दिया जाए इसको, क्या मोटिवेट कर रहा है आपको कि आप इतने सालों से लगातार ऐसे काम कर रहे हो? देखिए, बिना किसी सरकारी मदद के 30 साल हमने आज तक ना दिल्ली सरकार से मदद ली है, ना भारत सरकार से मदद ली है, ये तो अच्छे लोग कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने आप मदद करते हैं। जैसे हमारे को कोविड के टाइम में लकड़ी नहीं थी हमारे पास शमशान घाटों पे, तो वेव सिटी के जो मालिक हैं राजू चड्डा जी, उन्होंने 1000 टन लकड़ी भेजी। एक संजीव शर्मा जी जज है शिमला में, उन्होंने लकड़ी भेजी। फिर एम्बुलेंसेस नहीं थी, तो मेरे एक दोस्त हैं गोल्डी जी, उन्होंने, रणधीर चंडोक जी ने, राजू जी ने, एंड स्लीप वेल कंपनी, बजाज एलियंस, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने आगे आके हमारा हाथ थामा। टेक महिंद्रा खुद उन्होंने हमें एम्बुलेंसें भेजी। अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस भेजी मुझे फ़ोन करके, मेरे से बात करी अक्षय कुमार जी ने कि शंटी जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ संस्था के लिए। फिल्म इंडस्ट्री से अक्षय जी ने 2 एम्बुलेंस भेज दी, बहुत बड़ी बात आई है हमारे लिए। तो उन सब की वजह से ही हम चला पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा नेटवर्क बहुत बढ़ चुका है, 32 एम्बुलेंस है हमारे पास। बल्कि अभी हमारे पास जगह नहीं थी एम्बुलेंस खड़ी करने की, तो वो भी जगह हमें राजू चड्डा जी ने कहीं प्रोवाइड कराई है वेव सिटी में। मैं समझता हूँ हमारे लिए भगवान के रूप में बन के आए, और अच्छे लोगों की वजह से देश चल रहा है। जहाँ तक आपने बात कही कि आप कभी तंग आके या कुछ है, हम तंग आने वाले नहीं हैं, थकने वाले भी नहीं हैं, हम जब तक जिंदा हैं तब तक भी चलाएंगे शहीद भगत सिंह सेवा दल, और हमारे जाने के बाद भी ये हमेशा चलेगा, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं डिजास्टर के लिए वो काम सरकारों का बनता है। लेकिन दिल्ली के अंदर कोविड के अंदर किस प्रकार से दिल्ली की सरकार फेल हुई आपने देख लिया। अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं थे, व्हीलचेयर नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थे, शव वाहन नहीं थे, और जो प्राइवेट अस्पतालों ने नोचा खसोटा है 30-30 लाख रुपए के बिल दे के, लैब वालों ने, ये फार्मा कंपनियों ने जो अरबों रुपये कमाए हैं नकली दवाइयाँ बना बना के, 2 रुपये की दवाई 200 की बेच के, और इंश्योरेंस कंपनी वाले सारे मिल गए थे उस समय, गैंग बन गए थे। अगर ऐसा नहीं था तो 2000 का इंजेक्शन 2 लाख में कैसे बिका, 500 का सिलेंडर ऑक्सीजन का 50,000 का बिका दिल्ली में। मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, जब लाशें नहीं देते थे मैं उठा के लेके आता था, मार कुटाई भी हुई, मेरे ऊपर 11 केस रजिस्टर्ड हुए, मैंने नहीं परवाह करी। मैंने कहा नहीं, हमें ये समय है देश के लिए काम करने का, मानवता के लिए काम करने का,
तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम घबराएंगे, हम घबराने वाले नहीं हैं, जिसने जितना मर्जी जोर लगाना लगा ले। अभी जैसे कि विवेक विहार की अगर मैं बात करूं, फिर से लौटे एक बार उस मुद्दे पर, आपने वहां पर मदद की, अभी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही लाजपत नगर में आग लगी, उससे पहले मैं पश्चिम विहार पहुंची। लगातार ये जो आग लगने की घटनाएं इन हॉस्पिटल्स में सामने आ रही हैं, क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर जो यंत्र होने चाहिए अग्निशमन यंत्र वो नहीं होते हैं, सुविधाएँ नहीं होती हैं, क्या यहाँ पर कमी है जो लगातार आग लगने की घटनाएँ सामने आ रही हैं? देखिए, प्रशासनिक लापरवाही है। मुखर्जी नगर में एक साल पहले पीजी में आग लगती है, आनन फानन में ऑर्डर कर दिए जाते हैं, सारी दिल्ली के पीजी चेक करो जी, सर्वे करो जी, बिल्डिंग प्लान चेक करो जी, एक भी बंद नहीं हुआ। अभी चलिए लक्ष्मी नगर दिखाता हूँ, 500 चल रहे हैं। हमारे विवेक विहार में अभी भी एक आधा हॉस्पिटल भी ऐसा चल रहा है, और एक 500 गज की जगह में एक स्कूल चल रहा है, दशमेश पब्लिक स्कूल, 3 मंजिला और 1000 बच्चे हैं उसके अंदर। क्या प्रशासन को नहीं पता, ये पुलिस को नहीं पता, क्या ये DDA को नहीं पता, MCD को नहीं पता, एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन जिस दिन परमात्मा ना करे उस बिल्डिंग में ऐसा कोई काम हो गया, आग लग गई, सपोज कुछ भी हो सकता है, तो भागेंगे कैसे 1000 बच्चे? ये माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आप किस स्कूल में बच्चे को डाल रहे हैं, उनके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो देखो, ढांचा तो देखो। ये सारी गलतियाँ प्रशासनिक हैं, ये ऑफिसर, चंद ऑफिसर अपने चंद घूस के चक्कर में ऐसे काम करवा जाते हैं, और जब हादसा हो जाता है फिर वो सर्वे करने लग जाएंगे, रेड मारने लग जाएंगे, झूठे बयान देने शुरू कर देंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, 2 महीने के बाद फिर वही कुछ। तो सारी गलती प्रशासनिक है। मैं अभी भी कह देता हूँ, जिस प्रकार हॉस्पिटल चल रहे हैं, इस प्रकार दिल्ली के अंदर हज़ारों स्कूल छोटी छोटी बिल्डिंगों में चल रहे हैं। विवेक विहार में देख लीजिए, मेन रोड पर चल रहा है सरेआम दशमेश पब्लिक स्कूल। इसी प्रकार बैंक्वेट हॉल, कितने सारे बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जिनमें अंदर जाने का इतना सा रास्ता है, निकलने का छोटा सा रास्ता है, आग लग जाए, कुछ हो जाए, करंट आ जाए, कैसे भागेंगे लोग? और उससे बड़ी बात बता देता हूँ कि दिल्ली की तमाम मेट्रो के नीचे बैंक्वेट हॉल खोल दिए गए हैं। आज वो आतंकवादियों के लिए कितना आसान हो गया, मेट्रो के पास वैसे तो कोई जा नहीं सकता, इन्होंने 4 दीवारी कर दी है, लेकिन नीचे जगह दे दिए किराए पर, नीचे को डायनामाइट लगा दे, RDX लगा दो, उड़ जाएगा वो, तो कितने लोग मरेंगे एट ए टाइम। और एक बार हो भी चुका है कड़कड़ुमा के मेट्रो स्टेशन के नीचे आग लग गई थी हॉलमार्क बैंक्वेट हॉल में, लेकिन फिर ढाक के 3 पात, पता नहीं फायर ब्रिगेड वाले NOC कैसे दे देते हैं इन स्कूलों को, इन हॉस्पिटलों को, इन बैंक्वेट वालों को। तो ये जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होगा ना, घूस खाने वाला, ऐसे ऑफिसरों को अरेस्ट करिए ना। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि मैं अगर गलत काम चला रहा हूँ, स्कूल चला रहा हूँ, हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो मेरे से कितने लोगों ने घूस खाई है, उन सबको बंद करो ना पहले तो आप, नहीं तो मैं तो चलाता रहूँगा। आज बंद करिए, 1 महीने बाद फिर चला दूँगा मैं, फिर पैसे दूँगा, फिर चालू हो जाएगा। इसलिए ना पहले कुछ हुआ था, ना आज कुछ होगा, ना आगे कुछ होगा, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा ढर्रा जो है, जब तक ये रिश्वत नहीं बंद की जाएगी। अच्छा, एक सवाल ऐसे ही मेरे जहन में आ गया आपसे बात करते करते, आपको पद्मश्री मिला, तो आपके मन में कभी आता है कि सब कुछ तो है आपके पास, फिर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों निकल रहे हो लोगों के लिए काम करने के लिए, क्यों फ्री में लोगों को सेवा दी जाए, आपके पास तो सब कुछ है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है? देखिए, पद्मश्री की वजह से मेरे पास सब कुछ नहीं है, सब कुछ करने की वजह से पद्मश्री है। मैं जब पद्मश्री मिला था, उसी दिन शाम को एक लाश उठा रहा था मैं सड़क के ऊपर, सर्दियाँ थी, तो स्थानीय SHO साहब ने मुझे कहा, शंटी जी अब तो यार मत उठाओ, ड्राइवर उठा लेगा, पद्मश्री हो गए हैं अब आप। तो मैंने कहा, जी पद्मश्री की वजह से लाश नहीं उठा रहा हूँ, लाशें उठाने की वजह से पद्मश्री मिला है मुझे, जो 30 साल की मेहनत ऊपर वाले ने सफल की है, ये मेरे को एक जिम्मेदारी मिली है, ये अवार्ड नहीं है। अब मैं और ज़्यादा काम करूँगा, और मैं करता हूँ, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, मैं नहीं परवाह करता टाइम की। और हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे चलती है, राउंड द क्लॉक, मेरा फ़ोन भी चालू रहेगा, मेरे ऑफिसर का भी चालू रहेगा, मैनेजर का भी चालू रहेगा, ड्राइवर का भी चालू रहेगा। इसलिए पद्मश्री से हमको हौसला मिला है। सर, ये जो आपकी संस्था, ये कैसे काम करती है, लोग अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो अपना समय को निकाल सकता है, किसी एरिया में भी रहता हो, क्योंकि हमारा अब काम दिल्ली NCR सब जगह बढ़ चुका है, बाकी स्टेट्स में भी है। वैसे तो हमारे 5-6 काम है, जैसे एम्बुलेंस सर्विस हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, शव वाहन सर्विस हॉस्पिटल से घर, घर से शमशान, फिर शव को रखने के लिए हमारे पास मोर्चरी बॉक्सेस है, एयर कंडीशन, ताकि बॉडी ख़राब ना हो, किसी ने 2 दिन रखना है, 3 दिन रखना है। इसके अलावा हम
निःशुल्क दाह संस्कार कराते हैं, जितनी लावारिस बॉडी आती हैं उनके पास लकड़ी के पैसे नहीं होते हैं। शमशान घाट है दिलशाद गार्डन सीमापुरी में, हमने जो MCT से अडॉप्ट किया हुआ है सेवा के लिए, हम तकरीबन महीने के आप समझ लीजिए कि 100-125 संस्कार फ्री कराते हैं। इसके अलावा जो अस्थियाँ पड़ी होती हैं ऐसे जिनको कोई नहीं लेके जाता, उनको हम प्रवाहित करके आते हैं। मेरा बेटा जाता है हरिद्वार में, हर महीने उसे जाके वो प्रवाहित करता है। और लास्ट हमारा काम है ब्लड डोनेशन का, मैं खुद 106 बार ब्लड दे चुका हूँ, 189 कैंप कर चुके हैं हम लोग, हज़ारों यूनिट ब्लड इकट्ठा किया है। सबको लोगों को कहते हैं कि आप ब्लड दीजिए, क्योंकि दूसरा कुछ चारा नहीं है, या ऊपर वाला देता है या नीचे हम बैठे हैं। इसके लिए मैंने एक स्लोगन भी लिखा था, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता, या ईश्वर या हम, बीच में कोई जरिया नहीं है। तो ये 5-6 काम है, इसी के दम पे हमारा सेवा दल चल रहा है। जिसको भी कोई सेवा लेनी हो या सेवा देनी हो, हमारा फ़ोन नंबर 8750674433, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और एक निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोगों ने घरों में सिलेंडर रखे हुए हैं आज भी ऑक्सीजन के, जो कोविड में बच गए थे, उनको घरों में मत रखिए, वो गर्मी में फट सकते हैं। किसी बच्चे के हाथ आ गया तो वैसे खोल देगा वो उसको। मैं बता दूं, जो घर में हमारा रसोई वाला सिलेंडर है उसका प्रेशर 3 किलो है, ऑक्सीजन सिलेंडर में 150 किलो का प्रेशर होता है, ये मिसाइल की तरह जाता है। तो कृपया करके वो सारे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनको आप या तो किसी को NGO को दे दीजिए जो इस्तेमाल कर सके, या किसी गरीब के काम आ जाए आगे आने वाले समय में एम्बुलेंस वगैरह में। घरों में मत रखिए उसको, वो आपके लिए रिस्क हो सकती है। उसके लिए आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं 8750674433। एक दूसरा नंबर है मेरा 9999797983। और इसके अलावा अगर आपको पूरी दिल्ली में कोई लावारिस ऐसी लाश मिलती है जिसका कोई करने वाला नहीं है, वैसे तो हम लावारिस कहने वाले हम कोई नहीं है, वो तो बाद में पता लगता है, अकेली कोई डेड बॉडी पड़ी है और कोई नहीं उठा रहा, तो आप हमारे को इन दोनों नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डिमांड करूँगा आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके दर्शकों से कि आज गर्मी के समय में दिल्ली के अंदर 30-40 लोग रोज़ सड़कों के ऊपर मर जाते हैं। कोई बस स्टैंड पर मर जाता है, कोई ऑटो में बैठा मर जाता है, कोई रिक्शे में बैठा मर जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बचपन से हम देखते आए कि पानी की रेड़ियाँ लगती थी, चाहे वो 5 पैसे का, 10 पैसे का, 8 आने का, जितने का भी था, आज वो रेड़ियाँ गायब हो गई हैं। लोग अपने घरों के बाहर प्याऊ लगाते थे, वो बंद हो गए हैं। लोग मटके रख देते थे, वो भी बंद हो गए हैं। तो एक गरीब आदमी 25-30 रुपये का पानी की बोतल कहाँ से खरीदेगा जी? तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जो चढ़ाते हैं ना जी, उसका 10वां हिस्सा आप इस काम के लिए रख दीजिए। खास करके गर्मियों में उन लोगों को तड़फ तड़फ के ना मरने दें, हम पानी की व्यवस्था करें, जल की व्यवस्था करें, जल ही जीवन है। और उसको एक तरीका और है बचाने का कि आप वृक्ष लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेट्रो बनने से दिल्ली में लाखों वृक्ष कट गए। यही एक कारण है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। आप वृक्ष लगाएं, हम सारा ज़िंदगी एक वृक्ष नहीं लगाते हैं, लेकिन मरते हैं तो 4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वृक्ष भी लगाएं, ये मेरी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम जानकारी लेकर हम आपके सामने आए थे, किस तरह से शंटी जी ने यहाँ पर लोगों के लिए काम किया, किस तरह से उनकी स्टोरी रही, कैसे उन्हें पद्मश्री मिला, तमाम जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई इनकी संस्था के साथ, इनके NGO के साथ जुड़ना चाहता है तो वो डिटेल्स भी इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ भी राय आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। धन्यवाद आफरीन जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।